हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ भारत के पड़ोसी देश से संबंधित जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या है, भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो भारत के कुल 9 पड़ोसी देश है, जिसमें से 7 तो स्थलीय है तथा 2 जलीय पड़ोसी देश है। अगला देखते हैं, भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? जो ये 7 स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं तो पड़ोसी देश है, पहला है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। ये भारत की स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश है भारत के। अगला देखते हैं, जलीय सीमा से लगे 2 देश कौन से हैं? भारत की जलीय सीमा से लगे 2 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो एक है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। पहला है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। अब इनकी स्थिति कहाँ पर है? तो ये हिंद महासागर के इधर पाए जाते हैं। भारत के जलीय सीमा से लगने वाले 2 पड़ोसी देश है श्रीलंका एवं मालदीव। अगला देखते हैं, भारत के जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश है, भारत के जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश है तो वो 3 है, कौन कौन से? पहला है बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान। ये भारत के जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश है, बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से है? भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से है? तो पहला है भारत, दूसरा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। अगला देखते हैं, भारत को श्रीलंका से अलग करता है, भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? तो एक तो करता है पाक जलड मरुमध्य एवं मन्नार की खाड़ी। ये भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जलड मरुमध्य एवं मन्नार की खाड़ी। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा तो वह है बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? तो वह है बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? तो वह है अफगानिस्तान के साथ। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? तो वह देश है अफगानिस्तान। अगला देखते हैं, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है तो वह है त्रिपुरा। इसके तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरी हुई सीमा है। तो भारत का एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से घिरा हुआ है तीनों तरफ से, वह त्रिपुरा। अगला देखते हैं, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है कौन सा है? भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश तो वह है श्रीलंका। इसे दूसरा इंडोनेशिया भी कहा जाता है। तो श्रीलंका भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है, कौन अलग करता है? तो करता है ग्रेट चैनल। इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है ग्रेट चैनल। अगला देखते हैं, भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भारत के नक्शे में जो पूर्व में स्थित देश है पड़ोसी देश वो कौन कौन से हैं? तो एक तो है बांग्लादेश एवं दूसरा है म्यांमार। ये भारत के पूर्व में स्थित भारत के पड़ोसी देश है। भारत के पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है? तो वो है पाकिस्तान। ये भारत के पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश है। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो एक आता है नेपाल, भूटान एवं चीन। ये भारत के उत्तर दिशा में स्थित पड़ोसी देश है भारत के, नेपाल, भूटान एवं चीन। भारत के दक्षिण में स्थित कौन सा देश है? तो वो एकमात्र देश है, वो है श्रीलंका। ये भारत के दक्षिण में स्थित भारत का पड़ोसी देश है। अगला देखते हैं, भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है कौन सा देश है? जो भारत का पड़ोसी देश होने के नाते उसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है तो वह पाकिस्तान। पाकिस्तान ऐसा देश है भारत का पड़ोसी देश जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है दूसरे देशों के मुकाबले में। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? तो वह जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एकमात्र भारतीय राज्य है जो कि अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ है।
भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है उसे क्या कहा जाता है? तो क्या उसे कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। इसका निर्धारण 15 अगस्त को किया गया था, और किसके द्वारा किया गया था? 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेड क्लिफ के द्वारा। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है वो है रेड क्लिफ रेखा। अगला देखते हैं, भारत चीन की बीच की सीमा रेखा कहलाती है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो कहलाती है मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण कब किया गया था? तो 27 अप्रैल 1914 को शिमला में किया गया था, भारत चीन के बीच की सीमा रेखा का, और इसको कहा जाता है मैकमोहन रेखा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है कौन सी रेखा है? तो वह डूरंड रेखा। इसका निर्धारण कब किया गया था? सन 1896 में किया गया था। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है डूरंड रेखा। अगला देखते हैं, भारत पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या है। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारत के कुल कितने राज्य है जो पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हैं? तो भारत के वो है 17 राज्य। ये भारत के 17 राज्य, भारत में कुल 29 राज्य है, तो 17 राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं। अगला देखते हैं, भारत का वो भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है कौन सा है? तो वह है पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे पीओके कहते हैं। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है वो है पाक अधिकृत कश्मीर। अगला देखते हैं, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या जाता है? नियंत्रण रेखा। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा कहा जाता है। अगला देखते हैं, नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब हुआ था? नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो हुआ था 1972 में शिमला समझौता के तहत। नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था सन 1972 में शिमला समझौता के तहत। आदम का पुल कहाँ पर स्थित है? आदम का पुल कहाँ पर स्थित है? तो है भारत एवं श्रीलंका के मध्य आदम का पुल स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 बीघा कॉडी कॉरिडोर जोड़ता है, किसे जोड़ता है 3 बीघा कॉरिडोर? तो भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है 3 बीघा कॉरिडोर। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह टॉपिक वाइज जीके देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहिएगा।